सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं कैफ सेफी और आज हम आए नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम आए हैं सुंदर नर्सरी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा। दिलीप भी है, समीर भी है साथ, देखते हैं कैसा है। ये हमारे सामने फुव्वारा है, तेज नहीं आ रहा ना पानी, और ये पानी भर के यहाँ से जाएगा। अभी ये भरा नहीं है पानी, यहाँ से गिरता ये वहाँ तक जाएगा। तो अभी ये चालू है, लेकिन चालू कैसा चालू है समझ में नहीं आ रहा, बहुत हल्का पानी दे रहा है ये। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज क्रिसमस भी है, वीकेंड भी है संडे, तो सब घूमने आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आए फैमिली के साथ। ये फैमिली स्पॉट बहुत सही है। ये पिलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सब मस्त है भाई। यहाँ खेल वेल भी सकते हैं सब। ये सामने हमारे कुछ है, हम भी पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है। ये किसका फूल है पता नहीं, खूबसूरत तो बहुत है। किसका? गुड़हल पता नहीं भाई, समीर गुड़हल क्या कह रहा है ये। और ये देख कितना खूबसूरत है भाई, फोटो लेने के लिए सब ले रहे हैं यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ आने के लिए सोच रहे हैं कि दिल्ली में कहाँ जाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे मतलब अक्सर लोग जो आए फैमिली के साथ ही आए हुए हैं। हम लोग बस ऐसे ही आ गए घूमने एक्सप्लोर करने, क्योंकि और कुछ बचा नहीं, यही सब चीज़ें हैं। और मैं चाहता हूँ आपको नई नई जगहें दिखाऊँ। तो देखते हैं ये क्या है मेरे सामने, देखते हैं। तो ये हमारे सामने है सुंदर बुर्ज, ये तो हम अंदर चल के देखेंगे कैसा क्या है अंदर, कुछ है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई मकबरा है, ये बुर्ज है ऐसे ही। हम इस तरफ से एंट्री लेंगे, आए हैं वहाँ से। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ी एक है, ये बंद कर दी गई है। कितना खूबसूरत है भाई। अरबी में लिखा हुआ सब। इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरह है, मस्त है, फव्वारा लगा हुआ। तो चलेंगे हम इसी तरफ निकलेंगे, चारों तरफ से निकलने की जगह है, लेकिन हम यहाँ से निकल रहे हैं। और वहाँ पे कोई एक महल है, तो हम पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद इस तरफ आएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है यार। तो ये हमने सुंदर बुर्ज देख लिया। यहाँ पे कोई महल है, लक्कड़ महल या ऐसे कुछ है, तुम देखते हैं उसे पहले, उसे कवर करेंगे। यहाँ पे फूल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, जो नेचर लवर हैं वो यहाँ पे ज़रूर आए, उन्हें बहुत पसंद आएगा ये। तो ये हमारे सामने कोई सा महल है, देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होगा, सब पिकनिक पे आए हुए हैं, मतलब टोटली पिकनिक वाले ही हैं यहाँ पे, हमारे जैसे बहुत कम आए हुए हैं। ये है सुंदर वाला महल, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स हैं, इतिहास। इस चौकोर मकबरे की कब्रगाह के चारों तरफ 8 कमरे हैं, जो हस्त बहिस्त यानी 8 कुरानी जन्नतों को दर्शाते हैं। तो आप पढ़ लीजिए बाकी, तो हम चलते हैं देखते हैं क्या है इसके अंदर। दिलीप झुक के आना, दरवाजा बहुत छोटा है इसका। समीर तो और झुक के आएगा, देखते हैं। दरवाजा तो बहुत छोटा, झुक के ही निकलना पड़ेगा। भाई भूल भुलैया है यार ये तो, कहीं से भी घुसो निकल जाओगे बाहर। अब हम आ गए अंदर, अंधेरा है यार, कहीं से भी घुसो यहाँ से, सब एक तरह लग रहा है ना, मतलब चारों तरफ से कहीं से भी घुसो बाहर निकल जाओगे। ये है, यहाँ से भी निकल सकते हैं, लेकिन उधर से आए हैं,
और इतना घूम गए इसके अंदर कि पता भी नहीं चल रहा किधर से आए थे, क्योंकि हर तरफ ये ऐसा ही है। हम लोग इधर से आए थे, इधर से भी नहीं आए थे, तो फिर किधर से आए थे भाई? यह सब गाड़ियाँ लगी बंद है। अब उधर से घूमते हुए आए थे, उधर से आए थे सुंदरपुर जुधरी है, तो हम जहाँ से घुसे थे वहीं से निकलेंगे। एक यहाँ पे है, मिल गया, मिल गया। कहाँ पे? तो जहाँ से घुसे थे वहाँ से निकलेंगे भी, यही है। क्या हुआ? ये कुछ तो है, क्या है, क्या है? बंद है यार, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है। नीचे जाने के लिए कोई रास्ता होगा, खुफिया वैसे कहते हैं ना, दिल्ली जितना ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी है। तो कोई होगा सुरंग वगैरह कुछ, चलो देखते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहीं पे होता है इवेंट वो, तो ऐसे चलेंगे। मस्त जगह है, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे दर्शक बैठते हैं, जो ऑडियंस होती है। यहाँ पे कोई फंक्शन होता है ना, तो ये स्टेज है और यहाँ पे बैठ के देखते हैं, फिल्मों में देखा है ना, वैसा वाला ही सीन है यहाँ पे। देख, लेकिन यार कुछ भी कहो, बहुत खूबसूरत जगह है भाई ये। और यहाँ पे कुछ है, देखते हैं। इसके बगल में ये गेंदे का फूल है, कई कलर के हैं यार, रेड भी है, ऑरेंज, इस तरफ भी। और ये कौन सा फूल है ये मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता। और यहाँ पे लोटस है, यही तो मैं ढूंढ रहा था कब से। अभी ज़्यादा खिले नहीं हुए हैं, दो चार ऐसे ही हैं। यहाँ पे बहुत कलर के होते हैं, ब्लू हो गया, ये तो पिंक वाला है, ये जब पूरा खिलता तो पूरा भर जाता है ये, लेकिन अभी है नहीं, मौसम नहीं है इसका ना। तो आज क्रिसमस भी है, तो यहाँ क्रिसमस ट्री है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। जायकाए निजामुद्दीन क्या है, कैसे होगा यहाँ पे, जंगल ही जंगल है। हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, बस दिलीप बोल रहा चलते हैं इधर, तो चलते हैं। ये मोर दिख गया भाई, जम्मू राजस्थानी हवेली का प्रवेश द्वार, लाल क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं भाई, कुछ पता भी है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये तो बहुत अंदर आ गए भाई, कहाँ कुछ है यहाँ पे, ये तो रोड आ गया, बाहर ही निकाल दिया क्या हमें? दिलीप तू कहाँ लेकर आ गया? देख यहाँ तो जो चाहे बिना टिकट के भी आ ही जाएगा। हाँ कोई यहाँ से आके कूद के चला है अंदर ही। ये छोटा सा तालाब है, ये बहुत अंदर आना पड़ेगा अगर यहाँ आना हो तो। अभी ये अंदर जाने का और रास्ता भाई, कितना अंदर, बाहर ही निकाल देगा क्या? अभी ये कहाँ जा रहा है, ये बाहर ही जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। कहाँ चला गया वहाँ? चला चलते हैं, चल बागी सुकून में आ गए हम। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ताला लगा हुआ है। Our food grows in farms।
ये भाई खेती हो रही है, ये पता है धनिये का है, ये क्या है, मूली है ना, क्या है ये? हाँ पता नहीं क्या है, कुछ तो नहीं रहने दे भाई। ये पत्ता गोभी लग रहा है ना, और ये केले का है, ये बैगन का पेड़ है, ये बैगन का है, ये देखो जम रहा है, कहाँ पे पता नहीं, कहाँ देख लिया तूने, ये छोटा सा देख, हाँ छोटा सा बैगन तो आ गया। ये इसे क्या बोलते हैं, सोया, ये क्या, ये क्या, ये है सलगम, नहीं चुकंदर लग रहा है, चुकंदर हो गया यार। तो ये खेती के बारे में जानकारियां हैं यहाँ पे, केले भी आ गए हैं इसमें, पके नहीं है अभी। यहाँ पे मतलब खेती कैसे करते हैं सब दिखाया हुआ है, ये लहसुन है, प्याज है, प्याज भी है, वो क्या है अब उतना नहीं पता भाई, है सब वहाँ सरसों का खेत है। तो यहाँ पे गार्डन है बच्चों को खेलने के लिए, हम भी बच्चे हैं, देखते हैं मेंटी मिलता है या नहीं, समीर को देखो मिल जाए तो ठीक है, हमें मिले या ना मिले देखते हैं भाई, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं समीर को भी लेकर चलेंगे, मैं चढ़ूंगा टूट लगा, नहीं टूट नहीं यार, किससे बड़े बड़े लोग हैं, तेरी तो हाइट बड़ी हो गई है बस। एंट्री गेट कहाँ पे है ये रहे देखते। दिलीप की गार्ड ने कह के ले ली, बोल रहा है कि बच्चे पैदा करने की उम्र है, तुम इसमें जाओगे क्या कह दिया दिलीप को, वैसे हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया, एंट्री नहीं लिया, क्योंकि वो बच्चों के लिए सिर्फ है, और हमारे साथ कोई बच्चा है भी नहीं, समीर भी बड़ा हो गया है तो इसलिए हम जा नहीं पाए। तो हम देखते हैं थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि शाम भी हो गई, ठंड भी हो रही है। यहाँ अंदर चलते हैं, यहाँ देखो एंट्री कहाँ से है, इसकी एंट्री देखो कहाँ से, नहीं भाई रिस्क मत ले, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आ जा, यहाँ से एंट्री है, देखते हैं चलो। ये क्या है, टूट गया ये भी, मतलब सीढ़ी वगैरह कुछ देख ही नहीं रहा, बस कूद के चढ़ रहा है ये, ये खंडर है, पेड़ पे सब बैठ गए जाके, कहीं गिरा, तो यहाँ कुछ नहीं, बस ये खंडर ही है। इससे यहाँ पे कैफे है, तो आप कुछ भी खा पी सकते हैं लेके यहाँ से, आप चाहें तो यहाँ से लेकर आके कहीं भी बैठे खा सकते हैं, या फिर वहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं, ये व्यू देख के आप इंजॉय कर करके खा सकते हैं। तो हम कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि हमें लेट बहुत हो गया, और हम जब एंट्री लिए तो खाना खा कर ही आए थे। यहाँ पे एक छोटा सा ये कुछ बना हुआ बैठने के लिए, क्या है, बहुत खूबसूरत लग रही है यार, देख बैठने के लिए है, ये पानी आ रहा है यहाँ से, ये फव्वारा है यहाँ पे, खूबसूरत फूल हैं, मतलब फ्लावर्स तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और ये तालाब है, फव्वारा है बीच में, ये लड़ाई हो रही है कुछ, ये क्या भाई चबूतरा, ये तो बहुत खूबसूरत डिजाइन बना रखी है यहाँ पे, और शाम भी हो गई है, फव्वारा तो भाई जान डाल रही है इसमें, ऊपर आ रहा है ना,
ये पिंक गुलाब, ये पिंक है, ये रेड गुलाब है, रेड रोज, ये वाइट गुलाब है, तो ये देखते हैं ये कौन सा बुर्ज है। तो हम जाकर देखते हैं अंदर, अभी इसमें हम गए नहीं थे, ये हमारा आखिरी हेरिटेज है जो हम देख रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे, शाम भी हो गई, देखते हैं क्या है इसके अंदर। निकलना है कहीं से भी निकलो। तो ये देखते हैं, ऊपर जाने का रास्ता बंद, ये लक्कड़ बुर्ज है जो बंद हो गया। चारों तरफ से एग्जिट है इसमें भी, ये लवर्स पॉइंट भी कह सकते हैं, सबने नाम लिख रखा है, बस बहुत सारे नाम है भाई। चलो चलते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं है। ये मस्त है, तो हे गाइस, ये हमारा था सुंदर नर्सरी ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। मैं कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में बता दूँ, यहाँ पे 50 रुपया टिकट प्राइस है और ये एवरी डे खुलता है 7 बजे सुबह से रात को 10 बजे तक। तो हमने इसको एक्सप्लोर किया, शाम भी हो गया, हम जा रहे हैं घर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।